मुख्यमंत्री धामी के महिला सशक्तिकरण को लेकर दिए बयान और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है, तो वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं का हाल बदतर है। फिर चाहे बात अंकिता भंडारी केस की हो या फिर महिला अपराध पर, दोनों ही मोर्चे पर सरकार फेल साबित हुई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारी प्रतिबद्धता है कि महिलाओं के कारण हमारी सरकार बनी और महिलाओं को लेकर उनके हित में जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी उसके लिए उनका बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसी क्रम में मैं कह सकती हूँ कि महिला कल्याण कोष का निर्माण भी जो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से हमें 8 करोड़ की धनराशि महिला कल्याण कोष के लिए प्राप्त भी हुई है आबकारी विभाग के माध्यम से। जिसको आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए वो बेहतर करेंगे एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी के भाई के रूप में तो उसको न्याय नहीं दिला पाए, उनके परिजनों को अभी तक VIP का नाम उजागर नहीं हुआ है। आप देखिए कि लगातार प्रदेश की मातृशक्ति CBI जांच की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा और प्रदेश की बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बलात्कार का रिकॉर्ड यहां पर जो है, आप चाहे NCRB के आंकड़े उठा लीजिए, चाहे आप जो है RTI के आंकड़े उठा लीजिए।